भाजपा का 400 पार का नारा केवल संविधान बदलने के लिए चलाया गया है। यह बात छिंदवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने परासिया के कोयलांचल में संविधान बचाओ यात्रा के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। देखिए यह रिपोर्ट। परासिया विधानसभा में कांग्रेस की ओर से संविधान दिवस पर संविधान बचाओ यात्रा और रोड शो निकाला गया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है ताकि वह संविधान बदल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार केवल संविधान बदलने के लिए ये नारा इन्होंने चलाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, एसटी वर्ग को कानून बनाकर, संसद में कानून बनाकर आरक्षण दिया है। इन लोगों को, ओबीसी वर्ग को, एसटी एससी वर्ग को, उनका हक, उनका अधिकार, उनका आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी वन इंडिया एक भारत के नाम पर, वन इंडिया एक भारत के नाम पर हमारे ओबीसी एसटी एससी वर्ग से ये आरक्षण छीनना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, कोई मई का लाल, कोई मई का लाल ये आरक्षण छीन नहीं सकता आपसे। बता दें कि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पर वही कमलनाथ के खास करीबी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते जा रहे हैं। ऐसे में अब यह मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छिंदवाड़ा।